अब एफआईआर में उस हिस्से पर हम आपको लेकर चलते हैं जिसमें स्वाति के मुताबिक विभव ने मारने से पहले और मारने के बाद जो कहा वह हिस्सा दर्ज है। विभव जब चिल्लाते हुए स्वाति की तरफ आ रहे थे तो वे ऊंची आवाज में कह रहे थे कि तुम क्यों नहीं मानोगी, हमारी बात कैसे नहीं मानेगी, कैसे नहीं मानेगी, तेरी औकात क्या है कि हमको ना कर दे, समझती क्या है अपने आप को। इसके बाद कुछ अभद्र भाषा, तुझे तो हम सबक सिखाएंगे। स्वाति की एफआईआर में जो विभव के हवाले से कहा गया है उसमें एक बात सामने आती है जिस पर आपको गौर करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि तेरी हिम्मत कैसे कि तू हमें ना कह दे, यानी कि कुछ ऐसी बात है जो करने के लिए स्वाति मालीवाल को कहा जा रहा था और वो करने को तैयार नहीं हो रही थी। तभी विभव कह रहे थे कि तेरी औकात कि तू हमें ना कर दे। संभव है कि स्वाति पार्टी या सीएम के किस फैसले को मानने से इनकार कर रही हूं और इसी सिलसिले में वो मिलने भी गई। अब ये जो चर्चा है इसको बढ़ाने से पहले जब स्वाति को पीट दिया गया विभव के जरिए, उसके बाद विभव ने जो कहा उसको भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। उन्हें कहा कि कर ले तुझे जो करना है, तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तेरी हड्डी पसली तोड़वा देंगे, ऐसी जगह गाड़ेंगे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये एफआईआर में कहा गया है स्वाति के हवाले से। चूंकि स्वाति ने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना बयान दर्ज करवाया है लिहाजा इसे वो इनकार नहीं कर सकती और आपको फिलहाल यह सच मान करके यह देखना चाहिए कि अगर ऐसा है तो फिर विभव के अंदर इतना साहस कैसे कि एक सांसद को पीटने के बाद उनको लगता है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, या एक सांसद चाहे जो कर ले उनका बाल बांका भी वो नहीं कर सकती।